दुखी बहुत है। बुद्धिमान जो स्त्री होती है अपने पति को हमेशा खुश करने वाली बात बोलती है और पति को मनोबल बढ़ाती है कि आप बहुत अच्छे हैं। पड़ोसी की प्रशंसा करने से कोई ज्यादा तुमको फायदा नहीं होगा, अपने पति की प्रशंसा करो, क्योंकि अपना काम तो अपने पति से अपनी पत्नी से चलने वाला है। अपने पति की कभी कभी वाह वाह भी कर दिया करो कि आप इतने बड़े अफसर हो, धन्य हो, जीएम हो, जनरल मैनेजर, गजब। लेकिन पत्नियां इस बात को ध्यान नहीं देती, वो ये सोचती ये जनरल मैनेजर है, ये डॉक्टर है, ये पुलिस अफसर है, लेकिन मैं तो इसकी पत्नी हूँ, मैं तो इसको चटनी बना दूँ। बहुत खतरनाक है, कभी अहंकार मत लाओ, बहुत प्रेम से रखो। जो स्त्रियां अपने पतियों से बहुत प्रेम करती है, प्रेम से बोलती, हंसकर बोलती है और घर में नई नई समस्या को जन्म नहीं देती, उनके पति की उम्र बढ़ जाती है, आयु बढ़ जाती है और उनका पति निरोगी भी रहता है और उनका पति और प्रगति भी करता है। और जो स्त्रियां अपने पति को हमेशा नोचती चोतती रहती हैं, भंगार मचा रखा है, जब पति आता है तो या तो रोती हुई मिलती या तो सोती हुई मिलती, देखता है जब सोती हुई देखता तो उसको लगता है कोई नागिन सो रही है, रोती हुई देखता है तो उसको लगता है कोई भयंकर दुख है, क्या बात है, खाम खा के नखरा। किसी ने कुछ कह भी दिया हो तो सहने की भी सामर्थ्य रखो। अगर कभी सासू ने कुछ बोल दिया है, चलो उस समय उसका मूड सही नहीं था, कुछ बोल दिया, सासू से अलग रहने की भी कोशिश मत करो। ये बूढ़ी सासू, कमजोर सासू, उम्र वाली सासू, अब ये कहां जाएगी, इसको तुम्हें ही निभाना है। सासू अगर भटकेगी, रोएगी, इधर उधर घूमेगी, वृद्धाश्रम में पड़ी रहेगी तो तुम्हें ही लोग धुतकारेंगे कि देखो जब से ये चंडिका आई है सास ससुर को भी निष्कासित कर दिया। निभा लो। लोग कुत्ते को पाल लेते हैं, बिल्ली को पाल लेते हैं, कबूतर को पाल लेते हैं, जानवरों को पाल लेते हैं, क्या तुम अपने सास ससुर को, अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं पाल सकते हो? उन्हीं का घर है, उन्हीं का सब सामान है, उनकी सेवा करो, थोड़ा गम खा लो। सेवा करने में आलस्य भी बहुत बाधा डालता है। आलसी पुरुष हो या आलसी स्त्री हो, ये सेवा नहीं कर सकते, उनको चाय का कप धोने में ही पसीना आ जाता है। अभी मैं जांजगीर में एक भक्त के यहाँ गया था, अमर सुल्तानिया राइस मिल के मालिक हैं, 10 मेगावाट बिजली भी बनाते हैं, संयंत्र है उनके पास। तो हमारे साथ मंडली ज्यादा थी, 15 संत थे, 15-16 8-10 पुलिस जवान थे, 10-20 और भगत थे, लगभग 30-35 का नाश्ता बन रहा था। तो उनके घर की स्त्रियों ने स्वयं बनाया, और मैं चाहता हूँ जिसके घर आऊँ तो महिलाएं स्वयं बनाएं तो ज़्यादा ठीक, ये घर के पुरुष बनाएं तो ज़्यादा ठीक, क्योंकि ये पुण्य उन्हीं को मिले तो ज़्यादा ठीक है। ये हलवाई को पुण्य न मिले, ये तुमको मिलना चाहिए। और पूरे जिले में एक नंबर के धनवान हैं वे, पूरे जिले में एक नंबर के आदमी, हर चीज़ में राजनीतिक भी पकड़ है उनकी, न जाने कैसे मेरी पकड़ में आ गए, मैंने उनको पकड़ दिया या उन्होंने हमको पकड़ दिया, पकड़ पकड़ी में पकड़ गए, दोनों पकड़ हो गए तो मेरे को ले गए। तो उनके घर की महिलाओं ने दौड़ दौड़ कर नाश्ता बनाया, उनके भाइयों ने परोसा, खुद उन्होंने परोसा। सेवा जो अभिमान से मुक्त होता है, लोभ से पार होता है,
आलस्य से जिसको छुटकारा मिल गया है और जिसके अंदर प्रेम का सागर उमड़ गया है, वो कहीं भी किसी भी कंडीशन पोजीशन सिचुएशन में सेवा करके अपने जीवन को धन्य बना सकता है, जीवन को धन्य बना सकता है। राम ने गुरु वशिष्ठ की सेवा किया था। गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर भगवान श्री राम गाय को स्नान कराते थे, गाय के लिए घास भी लाते थे, लकड़ी तोड़ने भी चले जाते थे। देखिए भगवान सेवा कर रहे, लगे चरण चापन दो भाई और दोनों भाई विश्वामित्र के चरण दबा रहे। कभी कभी अपने बूढ़े माँ बाप के भी पैर दबा देना, ये बूढ़ी हड्डियों में दर्द होने लगता है और पैर दबाने से तुम्हारी अंगुलियों में हाथों में एको पंक्चर होगा। यदि उनको दबाओगे तुम्हारा तो अपने आप दब जाएगा, तो इससे तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। ये पॉइंट जब दबते हैं ना, हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, बुखार, ये सब बीमारियां ठीक होती हैं। बूढ़ी सासू के शरीर में कभी कभी तेल मालिश करो, धूप में लटा दो उसको। ये वही बूढ़ी सासू है जिसने तुम्हारे पति को जब जन्म दिया था, तुम्हारे पति जब बच्चे रूप में थे तो उनके शरीर में तेल मालिश करती थी, उनके तेल मालिश करती थी। तुम्हारे पति को पाल पोस कर जवान बनाकर हट्टा कट्टा तैयार करके तुम्हारी सेवा में सुपुर्द कर दिया है। अब तुम कम से कम इन बूढ़ी हड्डियों में कभी कभी तेल मालिश कर दिया, बहुत फायदा होगा। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। राजस्थान में आश्रम में था। है कोटा में आश्रम है अपना। 15 जनवरी को वहां भंडारा हुआ, तो भंडारे में मेरे मन से भाव निकला कि दाल बाटी का भंडारा होगा। राजस्थान में दाल बाटी का बड़ा महत्व, छत्तीसगढ़ में गुलगुल भजिया और टमाटर चटनी का ज्यादा महत्व, और इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र भी छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, यहाँ दाल भात का ज्यादा महत्व है। मेरे को मालूम नहीं आइडिया से, तो वहां दाल बाटी बनी, 1000 लोग खाने वाले। तो मैं व्यास गादी से उतरा, सब खाने वाले बैठे थे, तो मैंने सोचा 2-4 लोगों को मैं भी परोस दूं। सुधीर जी, मेरे मन में इच्छा हो गई, तो मैं बाटी मंगवाया और परोसने लगा। जब मैं परोसने लगा तो सब लोग मेरे से ही मांगने लगे, हमको भी दे दो, आप हमको दे दो, गुरु जी दे दे तो अच्छा है, उनके हाथ से स्पर्श हो जाए। तो 1000 लोगों को मैंने ही परोस दिया। उस दिन पता नहीं क्या मेरे को न थकान आई, न कमर दर्द, न कुछ, ऐसे हंसते हंसते परोस दिया। तो लोग बोले गुरुजी ने खुद परोस दिया आज। कभी कभी, अभी 15 जनवरी की बात, आप सेवा में उतर जाओ। सेवा करने से जो सुख मिलेगा, जो पुण्य मिलेगा, जो शांति मिलेगी, जो प्रसन्नता मिलेगी, और किसी चीज से मिलने वाली ही नहीं, और किसी चीज से मिलने वाली नहीं, बहुत सुख मिलता है। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। पर लोभी मोही अभिमानी, सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही अभिमानी, सेवक पद पाना क्या जाने। पर लोभी मोही
ही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। याद रखना ये सेवा मनुष्य की सेवा सबसे कठिन सेवा, क्योंकि मनुष्य कुछ न कुछ असंतुष्टि व्यक्त करता रहता है। इसलिए कुत्ते की सेवा तुम कर सकते हो, बिल्ली की सेवा कर सकते हो, पर माँ बाप की सेवा बहुत कठिन है, क्योंकि कितनी ही सेवा करोगे फिर भी वह कुछ न कुछ कमी बताएंगे, नोक झोंक निकालेंगे, कुछ कहेंगे और कहेंगे तुम सुनोगे तुम्हारा मन डगमगा जाएगा। कभी भी माँ बाप से और गुरु से प्रशंसा की भूख न रखना कि मेरी प्रशंसा करे, उनसे सम्मान की भी भूख न रखना। जिस दिन तुम सम्मान की भूख मिटा दोगे, प्रशंसा की भूख मिटा दोगे, उस दिन तुम उनकी कटु बातों को भी सह लोगे। और जिसके पास में सहनशीलता नहीं है वो सेवा भी नहीं कर सकता है। हमारे आश्रम के संचालक हैं, 95 साल की उम्र है, संत लोग उसकी सेवा करते हैं। मैंने 3 लोगों को लगाया उनकी सेवा में, तो जब उनको स्नान कराते हैं तो वे सबको मुक्का मारते हैं, और उनके जब हाथ पैर धोते तो थप्पड़ गाल पर मारते रहते हैं संतों के। तो मैंने वीडियो मंगवाया 8 मिनट का, हमने कहा स्नान कराते ही वीडियो भेजो, चेक करूं जरा देखो, तो मार रहे हैं और संत मुस्करा रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। तो स्नान के बाद हमने कहा बात कराओ, बात कराया, हमने कहा थप्पड़ क्यों मारते हो, बोले तुम्हारे कहाँ मारा हूँ, तो हमने कहा किसी के मारते हो, क्यों मारते हो, बोले हमने कभी नहीं मारा है, भूल भी गए, भूल गए। जब स्नान कराते 95 साल की उम्र है, उनको कहीं कहीं दर्द होने लगता है तो मार देते हैं। लेकिन याद रखना जर्जर शरीर वाले माँ बाप हो, गुरु हो, कोई भी हो, उसकी सेवा करते समय अगर उनका थप्पड़ भी तुम्हारे लग जाता है वो थप्पड़ भी आशीर्वाद बन जाता है। वो वीडियो देख करके मेरे मन में हुआ ये संत जो सेवा कर रहा है आश्रम का संचालक बनने योग्य, ऐसा मैंने तुरंत बोला वो संत के पास, बाबा देख इधर तेरे पास बोला ना, हमने कहा ये संचालक बन ले कि थप्पड़ खाकर भी हंसते हंसते सेवा कर। सहनशीलता की राह पर ही सेवा की मंजिल प्राप्त होती है, इसलिए सह लिया। दूसरी बात, यदि आपकी कोई सेवा करता है, आपका माइंड फेल नहीं है, दिल दिमाग ठीक है, तो सेवा करने वालों को आप धन्यवाद दीजिए, थप्पड़ मत मारिए। दिल दिमाग कंट्रोल नहीं है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन आप धन्यवाद दो। कोई सब्जी दाल चावल में नमक मिर्च मसाला कम ज्यादा है, हंसते हंसते खा लो, ज्यादा शिकायत मत करो, कंप्लेन मत करो, सहनशीलता रखो, आपका जीवन